हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड प्रोसेस के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम फाइनेंशियल प्लानिंग को तीन फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, वेल्थ प्रोटेक्शन, वेल्थ एक्युमुलेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम इस वीडियो में वेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली वेल्थ प्रोटेक्शन होता क्या है? वेल्थ प्रोटेक्शन आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि व्हाटएवर द एसेट्स यू हैव, द फर्स्ट थिंग इन द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस यू नीड टू प्रोटेक्ट देम। कि आपके पास जो भी एसेट्स है आप उनको पहले, सबसे पहले सेव करके चलो। अब वेल्थ प्रोटेक्शन में भी हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में आता है प्रोटेक्शन फॉर लाइफ। आप एक इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर राम। मिस्टर राम इज अ वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड ही इज अर्निंग 40,000 रुपीज पर मंथ एंड ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। और उनकी फैमिली में एक वाइफ है, उनके दो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे मानते हैं उनके उनकी सैलरी से, क्योंकि ही इज द अर्निंग ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, उनके घर के सारे खर्चे, उनके बच्चे की पढ़ाई, मेडिकल के एक्सपेंसेस या पेरेंट्स की मेडिकल के एक्सपेंसेस, वाइफ के खर्चे, छोटे मोटे घर के खर्चे सारे उनकी सैलरी से चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि कल को अगर मिस्टर राम ना ही रहे तो फैमिली सरवाइव कैसे करेगी? तो यही एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग में एंटर करते हो, सबसे पहला स्टेप है कि आपकी सब्स्टिट्यूट इनकम आपके फैमिली के पास होनी चाहिए। यानी अगर आप कल रहो या ना रहो लेकिन आपकी फैमिली सरवाइव ना करे, तो कम से कम उतना आपकी आपके पास, यानी आपके खुद के ऊपर आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपकी सब्स्टिट्यूट इनकम आपकी फैमिली के पास होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि मैं 50,000 रुपये साल का कमाता हूँ, महीने का कमाता हूँ, और साल में 6,00,000 रुपए होते, तो कम से कम 50-60,00,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर तो आपके पास होना ही चाहिए, ताकि अगर आप कल ना ही रहे तो आपकी फैमिली को अगर 50-60,00,000 रुपए ऐसा इंश्योरेंस कवर मिलते भी है तो वो उसको अगर फिक्स डिपॉजिट में बुक भी करते तो 8% के हिसाब से कम सालाना 4-4.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट उनको मिलता रहे और उनकी फैमिली, आपकी फैमिली का सर्वाइवल चलता रहे, मिस्टर राम की फैमिली का सर्वाइवल चलता रहे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपके पास आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए और कम से कम 10 से 20 गुना होना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मैं, आप जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना कवर होना चाहिए, क्या क्या खर्चे उसमें इंक्लूड होते हैं, वो सब चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक में हम बात करते हैं। बेसिक में यही है कि आपकी सैलरी का, एनुअल सैलरी का कम से कम 10 से 20 गुना होना चाहिए। दूसरा जो वेल्थ प्रोटेक्शन का स्टेप है, दैट इज जो मैंडेटरी है, दैट इज द प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ। अगर आज मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें आज की डेट में, तो मेडिकल एक्सपेंसेस इतने कॉस्टली हो चुके हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आपको अपनी सेविंग्स को तोड़ना पड़ता है, या आपको फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करना होता है, या आपको खर्चे इधर उधर से पैसा मांगने होते हैं, या आपको लोन की तरफ भागना होता है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग को एक्सेप्ट करते हो, तो सबसे पहले आपके पास आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। इसमें आपकी फैमिली, आपके वाइफ, आपके पेरेंट्स कवर्ड होने चाहिए, ताकि अगर कभी कल को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस इवेंट आपके अकर्ड होते हैं, तो सारे खर्चे, ऑल द एक्सपेंसेस विल बी बियर्ड बाय द कंपनी, विल बी बियर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। आपको अपनी जेब से कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे खर्चे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पर पे करेगी। तो दिस इज द सेकंड कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग में एंटर करने से पहले आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, और दूसरा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी होना चाहिए। तीसरा है जो सबसे जरूरी है, दैट इज दी इमरजेंसी फंड और कंटिजेंसी फंड। बेसिकली इमरजेंसी फंड और कंटिजेंसी फंड होता क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में, आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि कोई भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने आ सकते हैं जिसमें आपको इधर उधर से पैसा मांगना होता है। मान लीजिए अगर कोई कल एक्सीडेंट होता है, फैमिली में कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई ऐसे एक्सपेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जहां एक लमसम अमाउंट आपको देना होता है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप लोन की तरफ लेते हो, लोन की तरफ भागते हो, या क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो और या फिर इधर से पैसा मांगते हो, या अपनी पुरानी सेविंग्स को ब्रेक करते हो, तो आपके पास कम से कम एक प्लान बी रेडी होना चाहिए। कंटिजेंसी फंड, प्लान बी इज अ कंटिजेंसी फंड, जहाँ पे कम से कम आपकी सैलरी का, यानी मंथली सैलरी का कम से कम 3 गुना से 5 गुना अमाउंट रेडी होना चाहिए। मतलब अगर मैं 50,000 रुपए महीने के कमा रहा हूँ, तो कम से कम 1.5 से 2.5 लाख रुपए आपसे कंटिजेंसी फंड, ऐसा कंटिजेंसी फंड एक्यूमुलेट होना चाहिए। और हमेशा दो बातों का ध्यान रखें कि कंटिजेंसी फंड आपको कम से कम 3 से 5 गुना होना चाहिए आपकी मंथली सैलरी का, और दूसरा कंटिजेंसी फंड हमेशा जहां भी आप पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते हो या जहां पे सेव करते हो
वो आपका उस पैसे पर आपको रिस्क नहीं होना चाहिए, यानी उस पैसे को आप ना स्टॉक्स उस पैसे को आप स्टॉक में बिल्कुल ना यूज करें, ना ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। आप उस पैसे को सेव कीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट में, लिक्विड फंड में या डेट फंड में, जहां पे बिल्कुल भी रिस्क जीरो हो, जहां रिस्क बिल्कुल जीरो हो। तो कंटिजेंसी फंड के बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे डिटेल में कि कंटिजेंसी फंड हो कैसे, किस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन बेसिक के तौर पे मैं आपको बता रहा था आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आपके पास कंटिजेंसी फंड भी रेडी होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले। चौथा जो है वो है मैनेज योर बजट्स, बेसिकली कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले आपके आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटर्स कौन से, आपके क्रेडिटर्स कौन से, आपके एक्सपेंसेस कितने, आपकी इनकम कितनी, आपका इनफ्लो कितना है, आपका आउटफ्लो कितना है। और अगर कोई गैप आता है, आप मतलब आप उनको एनालाइज करो और कोई भी गैप आता है तो पहले उस गैप को जो लीक्स है बेसिकली उसको फिलअप करो, उसको कवर अप करो, देन फाइनेंशियल प्लानिंग में एंटर करना है आप। तो ये चार स्टेप्स थे वेल्थ प्रोटेक्शन में जो मैंने आज आपको बताए। आने वाली वीडियोस में मैं इसको डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा आपको, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और दूसरी वीडियो में, इसी सीरीज की दूसरी वीडियो में, मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के दूसरे ब्लॉक के बारे में बताऊंगा कि आप वेल्थ एक्युमुलेट कैसे कर सकते हो। वेल्थ एक्युमुलेट को हम थोड़ा डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिटेल में और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।